Good morning students, this is Shubham Anand. Today we are going to discuss next topic of the features of democracy, one person, one vote and one value. Concentrate from here. Earlier we read about how the struggle for democracy was linked to the demand of universal adult franchises. देखो यहाँ पर एक ये वर्ड जो इंट्रोड्यूस किया गया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब ये होता है कि जब इलेक्शन होता है ना तो वोट कौन कौन देगा, वोट हर एक एडल्ट लोग देगा, उस देश के जितने सिटीजन हैं, ठीक है, और उसमें से जितने लोग एडल्ट हैं सिटीजन उस कंट्री के जितने भी हैं, ठीक है, सिटीजन, फिर जितने लोग एडल्ट हैं। पहले हमारे कंट्री में जो मिनिमम एज था वो 21 था, ठीक है, पहले हमारे कंट्री में मिनिमम एज 21 ईयर था, लेकिन फिर इसे रिड्यूस करके 18 ईयर कर दिया गया है, ठीक है, 18 ईयर कर दिया गया। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिस का स्ट्रगलेशन हुआ था डेमोक्रेसी में, और बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी का बैकबोन है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। दिस प्रिंसिपल हैज़ नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ओवर द वर्ल्ड, येट देयर आर मैनी इंस्टांसेस ऑफ डिनायल ऑफ इक्वल राइट टू वोट। बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं जो कि इक्वल राइट नहीं दिए हैं वोट के लिए, है ना, उनमें से कौन कौन है, अनटिल 2015 तक, ठीक है, इन सऊदी अरबिया वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट, वहाँ वुमेन लोग राइट टू वोट नहीं था उनके पास। इस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल इन सच अ वे डेट पीपल बिलोंगिंग टू रसिया माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट, ठीक है, इस्टोनिया जो कंट्री है वहाँ पर जो सिटीजन वोट देंगे, ठीक है, तो सिटीजनशिप रूल जो था वोट देने के लिए वहाँ पर ऐसा वो लोग फेम किए थे कि जिसमें रशियन माइनॉरिटी जो हों, है ना, रसिया से जो आए हुए हैं, यूरोप और रसिया काफ़ी सटा हुआ, मीन्स सटा हुआ ही है पूरा, रसिया का कुछ पार्ट जो है वो यूरोप में है और रेस्ट ऑफ द पार्ट एशिया में है। कभी देखना वर्ल्ड में तब पता चलेगा रसिया यूरोप में भी और आपका एशिया में भी है। बिलोंगिंग टू रसिया रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट इन फिजी, फिजी कहाँ, फिजी जापान में है, ठीक है, इन फिजी द इलेक्ट्रोरल सिस्टम सच डेट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू देन डेट ऑफ इंडियन फिजी। यहाँ पर इनइक्वालिटी है वोट पे, ठीक है, अगर फिजी वोट करते हैं जो वहाँ का ओरिजिन जिनका है, ठीक है, तो इंडिजीनियस फिजी जो हैं वहीं के जो फिजी हैं उनका वोट का राइट ज़्यादा है, उनका वोट का वैल्यू ज़्यादा है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन फिजियन जो भारतीय मूल के फिजी हैं, ठीक है, तो वन वोट वन राइट वन वैल्यू तो फिर यहाँ पर नहीं है, डिफ्रेंशिएट हो जा रहा है ना, डिस्क्रिमिनेशन हो जा रहा। ये तीनों पॉइंट में हम लोग देखें, वी हैव सीन इन दीज थ्री पॉइंट देर इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन, है ना, एंड दीज ऑल थ्री डू इलेक्शन ऑन अ बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, तो इट इज़ राइट नो राइट। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी किस चीज़ पे बेस्ड है, पॉलिटिकल इक्वालिटी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, ठीक है। ये सब जो टर्म है, देखो SST हो या पूरा कोई भी टॉपिक हो SST का, है ना, चाहे वो सिविक्स हो, हिस्ट्री हो, कुछ भी हो, तो SST का कोई भी टॉपिक उठाओगे ना तो वहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता वर्डिंग, आप किस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, ये सब टेक्निकल वर्ड कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, है ना। अगर आप बहुत अच्छा भी नहीं लिखने जान रहे, आपको बहुत अच्छा आंसर भी नहीं आ रहा लिखने, ठीक है, फिर भी अगर आप ये लाइन लिखते हैं किसी तरह जुगाड़ लगा के इंग्लिश में सेंटेंस वेंटेंस फ्रेम करके कि डेमोक्रेसी इज ऑल्सो फीचर्ड बाई प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, तो टीचर इसको गलत नहीं करेंगे, एक नंबर या हाफ नंबर जो भी हो मिल जाएगा। तो काइंडली तुम लोग, आप लोग जितने लोग भी स्टूडेंट्स देख रहे हो, तुम सारे जो हो वर्ड्स पे स्पेशल स्ट्रेस देना कि क्या वर्ड बोल रहा है, ठीक है,
जैसे इंडिजीनियस फीजी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, इस तरह का वर्ड्स पे ना एकदम स्पेशल फोकस करो कि वो वर्ड यूज कैसे हो रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं, ये सब छोटा छोटा चीज बताते रहेंगे कि आंसर कैसे बढ़िया लिखना, क्योंकि हम लोगों को टॉप करना, पास तो सब कर जाएंगे, ठीक है। डेट गिव अस द थर्ड फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये जो बात हम लोग अभी डिस्कस की, ये थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो ओवरऑल क्या आता है निकल कर बात, इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अगर जो लोग भी वोट दे रहे हैं उनका एक वोट हमेशा इक्वल हो सबके रिस्पेक्ट में, है ना। ऐसा नहीं कि मेल दिया वोट तो उसका ज्यादा वैल्यू है और फीमेल वोट दी तो उसका कम वैल्यू है, ठीक है, इस तरह का नहीं, इक्वल होना चाहिए, इक्वल वैल्यू, ठीक है। तो अब चलो आगे आ जाओ फिर, नेक्स्ट फीचर्स रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, है ना। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पिलर है कि रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स, रिस्पेक्ट ऑफ फॉर राइट्स, है ना, रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ, क्यों, क्योंकि डेमोक्रेसी का ना इसेंशियल पार्ट है, डेमोक्रेसी जो है आपका राइट को ना इंश्योर करता है। हम लोग क्यों सरकार चुनते हैं, क्योंकि वो हमें हमारा अधिकार बनाए रखे, है ना, जो हम लोगों का अधिकार है, द राइट्स वी आर इंटाइटल्ड, है ना, इट शुड बी कंटिन्यू एंड नो वन शुड इंक्रोच आवर राइट, और किन्हीं को हम लोगों का राइट्स को इंक्रोच भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, मतलब कि छीनना भी नहीं चाहिए। उसके लिए और भी बहुत सारा मैकेनिज्म है अकॉर्डिंग टू सिविक्स पॉलिटिकल साइंस, है ना, बहुत सारे मैकेनिज्म है पॉलिटी में, तो वो ऊपर लेवल की थोड़ी बात हो गई, अभी नाइन्थ में, तो नाइन्थ ही का बात करते हैं हम लोग, बेटर रहेगा अंडरस्टैंडिंग में। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। जिम्बाब्वे को कब मिला इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, 1980 में। सिंस देन द कंट्री हैज बीन रूल्ड बाई ZANU-PF, ZANU-PF, द पार्टी डेट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स लीडर रॉबर्ट मुगावे, इट्स लीडर जो लीडर हैं रॉबर्ट मुगावे वो किस पार्टी के हैं, ZANU-PF, है ना, रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद वही रूल कर रहे थे। इलेक्शंस वेयर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज ओन बाय ZANU-PF, वन साइडेड पॉलिटिकल पार्टी चल रहा था, हमेशा ही इलेक्शन जीत रहे थे। प्रेसिडेंट मुगावे वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन, पॉपुलर तो थे ही लेकिन वो अनफेयर प्रैक्टिस भी करते थे इलेक्शन में, क्योंकि उन्हें जीतना था, सिर्फ उनका पार्टी जीते। ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल, पावर बढ़ रहा है लेकिन अकाउंटेबिलिटी कम हो रही है, ठीक है, जो कि गलत है। अगर आपके पास पावर बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपका अकाउंटेबिलिटी भी तो बढ़ना चाहिए ना, आपके पास पावर है तो आपके पास जिम्मेवारी भी तो होना चाहिए उस चीज को कंट्रोल करने के लिए, सीधी सी बात है, ठीक है, जो कि ये नहीं कर रहे थे, बार बार अमेंडमेंट कर दे रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, कि चेंजेस कर दे रहे थे, राइट, प्रेसिडेंट विल हैव मोर पावर, देयर विल बी सेंट्रलाइज्ड पावर एंड द अकाउंटेबिलिटी विल बी नॉट काउंट फॉर प्रेसिडेंट, ठीक है, पावर सारा मैं रखूंगा लेकिन अकाउंटेबल मैं नहीं होऊंगा। फिर देखो अपोजिशन पार्टी से, इस जगह से, अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वेयर हरास्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड, है ना, पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डिमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट वेयर डिक्लेयर्ड इलीगल, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, वो इलीगल था। देयर वॉज अ लॉ डेट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट, जो कानून था वो काफी कम हद तक सीमित था, फ्रीडम आपको ज्यादा नहीं था कि आप क्रिटिसाइज कर सके प्रेसिडेंट को। देखो किस तरह वो अपने आप को पावरफुल बना रहा, जब तुम एक तानाशाह बन जाओगे कि तुम्हारे अगेंस्ट कोई कुछ बोले ही नहीं, तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम्हारे में जो खामियां हैं वो बाहर नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा तो पब्लिक इशू नहीं बनेगा, प्रोपेगेंडा नहीं बनेगा और आप इलेक्शन जीत जाओगे,
है ना, इस तरह से ये चैनलाइज कर रहा था सारे चीज़ को, ठीक है। टेलीविजन्स एंड रेडियो वेयर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्सन। टीवी रेडियो सारे चीज़ कंट्रोल किसका था? गवर्नमेंट पार्टी, जो गवर्नमेंट पावर में थी उसके कंट्रोल में था, तो वो अपने हिसाब से मैनुपुलेट करता था, वो अपने हिसाब से वहाँ ब्रॉडकास्ट करवाता था, है ना, कि उसे जो पसंद है उसके हिसाब से जो उसके कंट्री में चलना चाहिए वो चलेगा, उनके पसंद के हिसाब से सारा लोग देखेगा, मतलब कि उनके अगेंस्ट में कोई कुछ ना दिखाए, ठीक है। देयर वेयर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स बट गवर्नमेंट हराज्ड दोज जर्नलिस्ट्स हु वेंट अगेंस्ट इट। इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स थे लेकिन जो जर्नलिस्ट अगर कुछ लिखते थे अगेंस्ट में, ठीक है, तो उन्हें हराज्ड किया जाता था। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स डेट वेंट अगेंस्ट इट एंड प्रेशराइज्ड जजेस। ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017। ठीक है, अगर कोर्ट कुछ पार्टी के अगेंस्ट में बोलता था, रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में, तो जज को प्रेशराइज किया जाता था, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज डेट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स इज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कि आपका अप्रूवल होना चाहिए, सिटीजन्स आपको कितना कंसिडर कर रही है ना, आपको कितना वोट दे रही है, उसके अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। बट इट इज नॉट सफिशियंट, सिर्फ यही सफिशियंट नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक, है ना, पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक। जरूरी नहीं है कि आप पॉपुलर हैं तो आप डेमोक्रेटिक हैं, ठीक है, इस लाइन पर ध्यान देना। बट इट इज नॉट सफिशियंट कि आप पॉपुलर अप्रूवल हैं। फिर लिखता है पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक। ऐसा नहीं है कि आप पॉपुलर पार्टी हैं तो आप डेमोक्रेटिक हैं, नहीं, आप अनडेमोक्रेटिक भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इलेक्शन में कुछ मल प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, गलत काम करते हैं, तब आप अनडेमोक्रेटिक हो जाएंगे अगर इक्वालिटी इंश्योर नहीं किए। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक, जो पॉपुलर लीडर्स हैं, बहुत चर्चा में रहने वाले लीडर्स, सबके प्रिय लीडर्स, है ना, उस तरह के लीडर्स भी कैन बी ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं, खुद की डिसीजन पे टिके रहना उन्हें ज्यादा पसंद होगा। इफ वी विश टू एक्सेस अ डेमोक्रेसी इट इज इम्पोर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शन। ठीक है, इम्पोर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शन, इलेक्शन ही बताता है कि कोई कंट्री कितना डेमोक्रेटिक है। जिस कंट्री में इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ, पूरा फ्री एंड फेयर, वो 100% डेमोक्रेटिक है, ठीक है। और डेमोक्रेसी कैन नॉट बी इंश्योर्ड बाय अ सिंगल पार्टी और बाय सिंगल इंडिविजुअल। इफ वी हैव टू इंश्योर द डेमोक्रेसी देन वी मस्ट हैव टू कंट्रीब्यूट टूगेदर एट सोसाइटी लेवल, एट फैमिली लेवल, देन इट विल कन्वर्ट इन टू द नेशन। ठीक है, तब वो आके नेशन पे कन्वर्ट होगा, नेशनल लेवल पे फिर आप कर सकते हैं, ठीक है। बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन, इस जगह पर पढ़ा रहा हूं मैं। बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन। देयर शुड बी सफिशियंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी। पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए नॉर्मल सा माहौल भी चाहिए, है ना, ठीक है, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अपोजिशन इन द पीरियड बिफोर इलेक्शन। दिस रिक्वायर्स डेट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन। ये कब पॉसिबल है? कि जो बेसिक राइट्स है सिटीजन्स का वो इंश्योर किया जाए, है ना। ये पॉसिबल तभी होगा जब जो गवर्नमेंट है वो सिटीजन्स का कुछ बेसिक राइट्स इंश्योर करें, जिसे हम लोग फंडामेंटल राइट बोलते हैं। हर एक पॉलिटिकल हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, है ना, जहां भी डेमोक्रेसी वहां पर सिटीजन्स का कुछ बेसिक राइट्स है, ठीक है, जिसे फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। दे शुड बी फ्री टू थिंक, सोचने की आजादी, टू हैव ओपिनियंस, अपना थॉट रखने का आजादी, टू एक्सप्रेस दिस इन पब्लिक, पब्लिकली बोलने की आजादी, टू फॉर्म एसोसिएशन, एसोसिएशन बनाने की आजादी, टू प्रोटेक्ट एंड टेक ओवर पॉलिटिकल एक्शन। ठीक है, ये जो सारे आजादी का बात किया जा रहा है हमारा फंडामेंटल राइट में, लगभग आर्टिकल
19 एंड 21 में दिया हुआ है, ये राइट डाउन कर लेना। ये सब जो सिटी मूवमेंट करने का है कि पब्लिक प्लेस पे बोले अपना ओपिनियन रखें, वो आर्टिकल 19 पे है, ठीक है। और आज़ादी से जिए, अच्छे माहौल में जिए, ये सब 21 में है, ठीक है। तो हमारा फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है।